डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास सिक्स साइंस की चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसके बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो होगा हमारा सम प्लांट फाइबर। सो इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ फाइबर्स के बारे में, और हमें पता है फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर के अंदर में आते हैं प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। तो आज हम ये जो प्लांट फाइबर डिस्कस करेंगे वो भी नेचुरल फाइबर का ही एक पार्ट है। ओके, क्योंकि नेचुरल फाइबर मतलब प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर दोनों ही आते हैं। तो हम आज डिस्कस जो करेंगे वो होगा हमारा नेचुरल फाइबर के जो पार्ट है, प्लांट फाइबर स्पेशली हम देखेंगे। तो देखते हैं, यहां पर देखिए जो फाइबर्स है, जैसे कि हमारा कॉटन है, फ्लैक्स है, जूट है, ये सारे जितने भी फाइबर्स हैं ये प्लांट से मिलते हैं, सारे प्लांट से मिलते हैं। कौन कौन सी फाइबर? कॉटन, फ्लैक्स और जूट, ये तीन चीजें हमें प्लांट से मिलती है, तो इसे हम प्लांट फाइबर कहते हैं। क्लियर है बच्चों? बहुत ही सिंपल है। प्लांट फाइबर मतलब जो प्लांट से मिलने वाली फाइबर है वही प्लांट फाइबर। तो प्लांट से मिलने वाली फाइबर क्या क्या है? कॉटन है, फ्लैक्स है और जूट है। ठीक है, तो एक एक करके हम ये जितने भी हैं, कॉटन, फ्लैक्स और जूट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर है, तो हम डिटेल में ये सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी कॉटन फाइबर की, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कॉटन फाइबर और जो फ्लैक्स है और जूट है, तीनों ही हमारे प्लांट फाइबर हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा कॉटन फाइबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है। तो जैसे कि आपको पता है कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, कॉटन जो है एक हमारा नेचुरल फाइबर है। ठीक है, और कॉटन फाइबर को हम कॉटन ऊल के नाम से भी जानते हैं, कॉटन फाइबर को हम कॉटन ऊल भी कहते हैं। अच्छा, कॉटन फाइबर मिलती कहां से है हमें? कॉटन फाइबर हमें मिलती है प्लांट से, तभी तो ये हमारे प्लांट फाइबर के अंदर है। कॉटन जो फाइबर है वो हमें प्लांट से मिलती है। अच्छा, ये खेती कहाँ किया जाता है बच्चों? देखिए, कॉटन जो है ये हमारा फील्ड में खेती किया जाता है, फार्मर उसे खेती करते हैं। ठीक है, और ये कौन सी एरिया में ज्यादा करके होता है? जिस एरिया में ये ब्लैक सॉयल होती है या वार्म क्लाइमेट होती है उसी एरिया में हमारे कॉटन की खेती अच्छे से होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सॉयल और वार्म क्लाइमेट। ओके, द प्लेसेस वेयर वी विल गेट द ब्लैक सॉयल और वार्म क्लाइमेट दैट इज फिट फॉर ग्रोइंग कॉटन। ओके, सो जनरली कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सॉयल, मतलब ब्लैक सॉयल और वार्म क्लाइमेट जहां पर होते हैं वहां पर कॉटन की खेती ज्यादा करके होती है। तो ऐसे वाले एरिया हमारे इंडिया में कहां पर हैं जहां पर की ब्लैक सॉयल और वार्म क्लाइमेट होता हो? ऐसा एरिया है हमारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सारी एरिया में हमारे कॉटन की खेती भरपूर मात्रा में की जाती है। आगे चलते हैं। कॉटन जो है एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे फ्रूट से बनते हैं, कॉटन के जो फ्रूट होते हैं, कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उसी से हमें कॉटन मिलती है और उस फ्रूट्स को हम कॉटन बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटन बॉल। और अगर ऐसे देखें आप तो ये जो कॉटन की फ्रूट है आपकी, वो आपकी एक हमारे लेमन की साइज के जैसा होती है, लेमन की जितनी बड़ी साइज होती है हमारे कॉटन फ्रूट की साइज भी उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, ये कॉटन का अगर हम देखें तो हमें कैसा दिखेगा? ऐसा लगेगा जैसे कि कोई व्हाइट कलर का कुछ बॉल है, व्हाइट बॉल जैसा लगेगा। कॉटन फाइबर का हम जब देखेंगे तो प्लांट में कैसा लगेगा? एक व्हाइट कलर का फ्लॉपी सॉफ्ट फाइबर होता है ये कॉटन। ठीक है, और अगर हम देखें जहां पर कॉटन लगाया गया है उस फील्ड को अगर देखेंगे, जब कॉटन हमारे पूरा काटने लायक हो जाते हैं, पक जाते हैं, जिसमें से कॉटन निकलते हैं, तो वो आपके पूरा स्नो फील्ड जैसा दिखाई जाएगा। देखिए, बर्फ जैसा दिखाई दे रहा है ना आपको, इस तरह से वो दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, उसके आगे हम देख लेते हैं क्या है।
तो ये जो कॉटन की प्लांट है, देखिए इस तरह से होते हैं बच्चों कॉटन की प्लांट। तो कॉटन जो है वो हमें मिलती है कहां से? कॉटन फ्रूट से, ठीक है। और ये कॉटन जब वो फुल्ली ग्रो हो जाता है तो यहाँ हम लोग इसे फील्ड से हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस कॉटन इज पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट्स बाय हैंड, हम हाथों से इसे कलेक्ट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो है कॉटन की सीड को हमें उससे निकालना पड़ेगा। ये जो कॉटन की फ्रूट है इसके अंदर सिर्फ कॉटन ही नहीं है, उसके अंदर में देखिए सीड भी होती है, क्योंकि ये फ्रूट है ना, कॉटन की ये फ्रूट है ना, तो इसके वजह से ये जो इसके अंदर जो होती है सीड भी होती है। कॉटन प्लांट से ये कॉटन प्लांट की ये फ्रूट है तो इसके अंदर जाहिर सी बात है सीड होगी, जिससे कि नई प्लांट होते हैं, तो उस सीड्स को भी निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं ये सीड को निकालने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गीनिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? गीनिंग। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड्स इज कॉल्ड गीनिंग। ओके, गीनिंग ऑफ कॉटन मतलब कि कॉटन की जो फ्रूट होती है उसमें हम कॉटन और सीड को अलग अलग करते हैं, ताकि सीड अलग ना करें तो इससे हम फाइबर कैसे बनाएंगे, फैब्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो इसलिए इसे हमें सीड को बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गीनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे तो हम जनरली ट्रेडिशनल प्रोसेस यूज करते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं ये बीज निकालने के लिए, लेकिन अब थोड़ी मशीनों की भी यूज होने लगी है इस गीनिंग प्रोसेस के लिए, मतलब कॉटन से कॉटन की जो सीड को निकालने के लिए आजकल मशीनों की भी यूज की जा रही है, ठीक है। अच्छा, कॉटन की इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कॉटन के इस्तेमाल हम करते हैं फैब्रिक्स बनाने में, और आपको मैंने पहले ही बताया था फैब्रिक्स का मतलब क्या होता है, क्लॉथ्स। तो ये कॉटन का इस्तेमाल हम फैब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। अच्छा, इसके बाद और भी कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसका? क्लॉथ्स बनाने के लिए, ड्रेसेस बनाने के लिए, ये सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपको और भी देखे होंगे कि कॉटन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो हम जैसे पीलो के अंदर कॉटन को डालते हैं, ठीक है। मैट्रेसेस जो है गद्दे वगैरह बनाते हैं, क्विल्ट जो कंबल टाइप की जो चीज होती है ओढ़ने के काम में आती है, हाँ, ये जो क्या इसको हम बनाते हैं, जैसे हमारे गद्दे हो गए, कंबल हो गए, तकिया हो गए, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं कॉटन का, ये सब बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं आगे क्या है हमारा, जैसे ये विक्स ऑफ ऑयल लैम्प, मतलब जो बाती होती है, ठीक है, ये ऑयल लैम्प्स की जो बत्ती होती है, जो धागे होती है जिससे क्या वो जो लैम्प जलती है उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि दिवाली वगैरह में आप देखते हैं जो दिया होती है उसमें हम बाती लगाते हैं, वो हमारे विक्स कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये विक्स देखिए उस दिया की जो बाती है उसे कहते हैं, उसको हम बनाने के लिए भी यूज करते हैं कॉटन का। अब हम नेक्स्ट हमारे जो प्लांट फाइबर है, हमने आज तीन प्लांट के फाइबर पढ़ना है, कॉटन, फ्लैक्स और जूट। तो कॉटन का हमने पढ़ लिया, अब हम जूट को पढ़ेंगे। जूट भी एक प्रकार के प्लांट फाइबर है हमारे, फ्लैक्स जो है एक प्लांट फाइबर है, तो अब हम फ्लैक्स के बारे में देखेंगे। फ्लैक्स क्या है? ये भी एक प्रकार के प्लांट से मिलने वाली नेचुरल फाइबर है, ठीक है, और ये प्लांट से ही मिलती है। और द फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। तो ये जो फ्लैक्स है, फ्लैक्स जो फाइबर है, ये कहां से मिलती है हमें? फ्लैक्स प्लांट की स्टेम से मिलती है। कॉटन हमें कॉटन प्लांट की फ्रूट से मिलती थी, लेकिन ये फ्लैक्स जो है हमें फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से मिलती है, ये जरूर याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। कॉटन जो है हमें कॉटन प्लांट की फ्रूट से मिलती है, लेकिन फ्लैक्स जो है हमें फ्लैक्स प्लांट की स्टेम से मिलती है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, इससे हम क्या बनाते हैं? इसे भी हम फैब्रिक बनाने का काम करते हैं, जो फ्लैक्स होता है फ्लैक्स से भी हम फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। द क्लॉथ इज मेड अप ऑफ स्टेम फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड द लिनन। तो ये जो हम फ्लैक्स से जो बनाते हैं फैब्रिक्स, उस फैब्रिक्स का नाम है लिनन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया सवाल है, ठीक है, और पूछा जाता भी है आगे भी, क्या इस सवाल को पूछे जाने की चांसेस है। तो ये जो फ्लैक्स है, फ्लैक्स से जो हम फाइबर मिलता है उसे हम लिनन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लिनन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? बेडशीट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो बहुत सारी चीजों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक प्रकार के कपड़ा बनता है तो इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फिगर में देखना चाहें तो देखिए बच्चों, ये आपकी फ्लैक्स की फिगर है, देख लीजिए किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये फ्लैक्स है हमारा, ये जूट है, ये हमारे कोकोनट फाइबर है और ये हमारे कॉटन की थी। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं, हमारा दो चीज कंप्लीट हो गया, जो प्लांट फाइबर हम पढ़ रहे थे कॉटन और फ्लैक्स। अब हम चलते हैं हमारा थर्ड प्लांट फाइबर जो है कि जूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखते हैं हम। जूट फाइबर इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो ये दो चीजें देखिए आपको, फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स भी आपकी स्टेम से बनती है। ठीक है, फ्लैक्स प्लांट की स्टेम से, जूट भी हमारे जूट प्लांट की स्टेम से हमें मिलती है। और जूट को ऐसे देखा जाए तो हिंदी में पटसन भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे और देखते हैं, ये जो जूट है ये अक्सर देखा गया है कि हम जूट बनाने में, ये जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल जो है ये सबसे आगे है। ठीक है, जूट में यहाँ पर बहुत सारे जूट प्लांट भी है, बहुत सारे क्या जो अदर स्टेट से भी लोग जूट प्लांट में काम करने के लिए वेस्ट बंगाल जाते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है इंडिया में जूट प्रोडक्शन में नंबर वन है। ठीक है, बहुत सारे वहां पर जूट की फैक्ट्रीज वगैरह हैं। तो देखा जाए तो जूट जो है हमारे इंडिया में, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम, ये तीन स्टेट में अधिकतर पाया जाता है और खेती किया जाता है। ठीक है, और ये जूट की खेती जनरली अगर देखें तो हम रेनी सीजन में करते हैं। कब करते हैं? बारिश की सीजन में, रेनी सीजन में हम करते हैं इसकी खेती। अच्छा, उसके बाद आगे देख लेते हैं हम, और जूट फाइबर जो है, जिस तरह से आपको बताया जूट जूट प्लांट की वो स्टेम से ही मिलती है। ठीक है, और ये जो है हम वेस्ट बंगाल में ज्यादा करके खेती इसका किया जाता है। तो इसमें से जूट कैसे निकाला जाता है बच्चों, जूट की जो प्लांट है उसमें से जूट कैसे निकाला जाता है, उसके स्टेम से। तो इसका तरीका क्या है, किस तरह से करते हैं, वो जो स्टेम को क्या करते हैं, पानी के अंदर उसे डीप करके रखा जाता है, इमर्स। इमर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पानी में डुबा के डाल करके रखा जाता है, कुछ दिनों के लिए वहां पर डाला जाता है। तो क्या होता है, वहां पर उसके स्टेम जो होती है सड़ने लगती है, और सड़ के क्या होता है, उसके जो कवर होती है वो स्टेम की जो कवर बाहर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर अगर ज्यादा दिन तक अगर डाल दिया जाए तो वो सड़ने लगेगी, और उस तरह से वहां उसकी जो छिलके हैं, उसके जो स्टेम के जो छिलके हैं वो बाहर आने लगती है। तो जूट फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय हैंड। उसके बाद क्या करते हैं, जूट फाइबर को हम सेपरेट कर लेते हैं वाटर से, हाथों की मदद से। ठीक है, हाथ से ही इसे किया जाता है, क्योंकि जूट एक रफ फाइबर है, जूट एक रफ फाइबर है, बहुत ही हार्ड फाइबर है। तो इसका इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए हम नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे चीजों की बनाने के लिए हम इसका जूट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जूट का इस्तेमाल हम रस्सी बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और यह बैग्स बनाने के लिए कर सकते हैं, जूट की बैग बनती है, जूट की बोरियां जो बनती है, और ये रस्सियां बनती है। जूट का इस्तेमाल रस्सी बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बैग में हम क्या, कोई फूड ग्रेन्स वगैरह हो गया, जो गनी बैग्स होते हैं, बोरी होती है, उसका बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें हम हमारे फूड ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का जूट, जूट जो है प्लांट फाइबर का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ये हमारा नेचुरल फाइबर, तो ये बैग में हम व्हीट, राइस वगैरह कुछ भी हम रख सकते हैं। इसके अलावा और एक प्लांट फाइबर है जो कि कोकोनट से हमें मिलता है, कोकोनट से मिलता है। ठीक है, तो जो आउटर कवरिंग है कोकोनट की, जैसे हम कभी पूजा वगैरह में नारियल खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके नारियल के छिलके बाहर कर दिया जाता है, और जो उसके जो मेन फ्रूट्स होता है वो हम मंदिर लेकर के जाते हैं पूजा करने के लिए। तो जो आउटर कवरिंग होती है, जो छिलका बाहर निकाला जाता है, ठीक है, उसमें से भी हमारे, उसी को हम कॉटन फाइबर कहते हैं। ओके, तो कॉटन फाइबर जो है वो उसका भी इस्तेमाल, क्योंकि वो भी एक हार्ड चीज है, बहुत रफ होता है, तो उसका इस्तेमाल भी हम रस्सी बनाने के लिए या मैट, जो चटाई वगैरह बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉटन फाइबर भी एक प्रकार के प्लांट फाइबर है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। और जैसे एक प्रकार का देखा जाए तो जो वुड हमारा होता है, ठीक है, द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द वुड, जो लकड़ियों से फाइबर हमें मिलती है उसका इस्तेमाल हम पेपर बनाने के लिए करते हैं। मतलब कि पेपर भी हमें
प्लांट से मिलती है ये कहना गलत नहीं होगा। वुड से कुछ जो होते हैं वुड होते हैं, जैसे बांस टाइप के जो कुछ वुड होते हैं, ठीक है, बैम्बू टाइप के, तो उस प्लांट से हमें कुछ फाइबर मिलते हैं, ठीक है, उस फाइबर को हम पेपर बनाने के काम में लगाते हैं। तो पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द प्लांट्स, क्लियर है। तो आज हमने एक्चुअली देखा हमारे जो प्लांट्स फाइबर है, प्लांट्स फाइबर को हमने डिस्कस किया। प्लांट फाइबर में हम जनरली डिस्कस किए क्या क्या, कॉटन, फ्लैक्स और जूट, उसके साथ साथ हमने कोकोनट फाइबर को भी थोड़े डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स, फैब्रिक्स कैसे बनते हैं इसके पूरा डिटेल प्रोसेस को हम देखेंगे। इसमें इसको बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से होते हैं, सारा एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।